गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि कल का हमारा एक बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो छूट गया है और वो था महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। तो आज हम वो जल्दी से करना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैंने कल भी कहा था कि ये जो चैप्टर है ये आपका ज़िंदगी का सार बन जाना चाहिए। जीवन कैसे जिया जाता है वो ज़रूर सीख लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल हमने किया था यहाँ तक, आज हम बढ़ रहे हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को। तो ध्यान से सुनिए, अब हम पढ़ लेते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आती हैं। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमें सूत पिटक से मिलती है। देखिए पिटक जो है तीन है, पिटक का मतलब होता है टोकरी। तो ये तीन टोकरियों में अलग अलग ग्रंथ जो है वो रखे जाते थे, तो इसलिए इनको कहा गया पिटक। तो सूत पिटक जो है उसमें ये त होगा, यहाँ पर याद रखना, सूत पिटक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथों में माना जाता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको लिखा गया है। ठीक है, एक संविधान हम कह सकते हैं कि अगर बौद्ध धर्म का जो जो हम कहते हैं आत्मा है वो सूत पिटक है। तो ये जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो आपको मालूम हो रहना चाहिए कि पाली भाषा में उस समय की जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती थी उस समय, तो वो पाली भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी, उसमें इसमें लिखा गया है। और इनकी शिक्षाओं ने इसीलिए कि आम लोग इसको समझ पाए, उनकी ही भाषा में ये कहे गए, इसलिए लोगों में जादुई असर इन चीज़ों का हुआ और अतः बड़ी संख्या में जो लोग थे वो बौद्ध धर्म में सम्मिलित हुए। तो पहली जो शिक्षा है देखिए वो है चार महान सत्य जो बुद्धा ने जाने, जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया कि भाई ये सत्य है। ये पहला सत्य देखिए, संसार दुखों का घर है। उन्होंने जान लिया कि मैं राजकुमार बेशक हूं, लेकिन भाई ये सभी राजकुमार नहीं है दुनिया में। दुनिया में बहुत दुख है लोगों के पास, जन्म से ही, जन्म में आना, बीमारी होना, वृद्धावस्था आना, मृत्यु हो जाना, ये सब कुछ दुख का कारण है। योगा पहला सत्य और है भी सत्य है। दूसरा, इन दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं, बिल्कुल सत्य है। कि तुम्हारी इच्छा है भाई, अरे तुम्हें भगवान ने जो दिया ना उसमें तुम संतुष्ट हो ही नहीं सकते। संसार ऐसे ही तो है, मुझे तो बिल गेट्स ही बनना भाई, उससे आगे बिल गेट्स भी जब मरा होगा ना, सॉरी जब करेंगे, तो क्या उसकी इच्छा भी थी मैं वो बनूं, इससे भी आगे बनूं। इच्छा खत्म नहीं होती और इन इच्छाओं को पूरा करने में ही हम अच्छे से बुरे बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। अपने बच्चों को एक बड़ा बंगला देने के लिए, उसके लिए सब कुछ रखने के चक्कर में हम जो है बुरे कब बन गए कोई पता भी नहीं चलता। और यह तब पता चलता है जब हम मृत्यु शैया के ऊपर होते हैं, जब हमारी मौत नजदीक आती है ना और लोग चारों तरफ बैठना शुरू हो जाते हैं, तो पता लग जाता है उस दिन जो है कि भाई मैं मर रहा हूं अब। और वो उठ 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 के जो है अपने पांव देखता है, क्योंकि जब आदमी मरता है ना तो उसके पांव ठंडे होने लगते हैं, तो उठ उठ के देखता है कि मेरे पांव ठंडे हो रहे हैं, मौत से भय। अरे मरना तो है, लेकिन भय कब होगा, जब आपको पता लग गया कि भाई मैंने पूरी जिंदगी में गलत काम किए। याद रखना ये बहुत जरूरी बात है जो मुझे आपको बतानी होगी, ऐसा मैंने देखा है। और ऐसा भी देखा है कि वो लोग बड़े आराम से चले जाते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं, जिन्होंने दुनिया के लिए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया है, कभी बुरे कर्म किए ही नहीं, वो खुशी खुशी चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है भाई मरने के बाद भी मेरी जो आत्मा है वो भटके नहीं, जैसा बोला जाता है कि भटने के वाला है। अरे उसने अच्छे काम किए हैं, खुशी से जा रहा है, अच्छे मन से जा रहा है, बहुत थोड़ी सी इतनी है। जैसे रविंद्रनाथ जी कहते हैं, रविंद्रनाथ ने मरने के बारे में जो है वो बड़ा खूबसूरत एक पोइम में लिखा था कि भाई अभी तो मेरे तार जो है वो, उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया था सितार के साथ। देखिए जब सितार बजती है कितनी मधुर सुन मधुर, एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो मेरी जो सितार थी ना उसकी जो तार होती है वो सुर में आई थी। देखिए तार जब सुर में आती ना तभी स्वर बजते हैं, तभी मजा आता है उसको सुनने का। अदरवाइज जो तारे में स्वर ना हो तो वो ऐसा लगेगा जैसे दंतारा बज रहा है ना। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई अभी जब उनकी मौत होने वाली थी उससे पहले उन्होंने क्या 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 कहा, उन्होंने कहा भाई अभी तो वो तारे जो है वो सुर में हुई थी, अभी तो मैंने जीना सीखा था और मेरी इच्छा है कि मैं और भी जीता इस धरती के ऊपर। लोग कहते हैं भाई यहाँ तो नरक है, यहाँ आवागमन का चक्कर जो है गलत है, यहाँ पर आना। तो रविंद्रनाथ ने, मैं बड़ा सहमत हूँ उनसे, उन्होंने कहा भाई ये तो देवता भी तरसते हैं नीचे आने के लिए, इस धरती पर जीने के लिए, लेकिन ये अलग चीज़ है कि हम लोगों ने नरक बना के रख दिया है। क्योंकि कहते ही हैं भाई कलयुग है, कहते हैं शब्द ही ऐसे आ जाते हैं कलयुग है भाई। अरे क्यों कलयुग है भाई, तुम ऐसे देश में जाइए, आप जाइए तो सही स्विट्जरलैंड,
आप जाइए तो चाहिए, यहाँ छोड़ दीजिए, आप कनाडा कहीं किसी कंट्री में जाके देखिए, हमारे बच्चे जब जाते हैं इन देशों में वापस ही नहीं आते हैं। भाई कारण तो होगा ना, क्यों भाई? उन लोगों ने अपने देशों में जो ना स्वर्ग बनाए हैं, कि उनको ने जान लिया था 17वीं 16वीं शताब्दी में ही कि भाई आदमी ही इंपॉर्टेंट है, तुम उसको कैसे रहना चाहते हो, कैसे रखना चाहते हो अच्छे से। अगर कोई कछुआ भी ना वहां पर किसी प्लेटफॉर्म से निकल रहा होगा ना, सड़क से निकल रहा हो, तो गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और हमारे यहां पर कुचल देते हैं। कुत्ता आया कुचल दो, बिल्ली आई अरे इसको तो कुचल ही दो भाई, ये इसका जाने से ना, जाने से क्या हो जाएगा, मेरा कोई अनर्थ हो जाएगा। अरे सोचिए, वो भी तो जानवर है बेचारा, अरे उसने भी तो पांव रखने हैं। तो हम कहाँ हैं, ये जरूरी है। तभी मैंने कहा आज जिंदगी का जो ये चैप्टर है, ये आपका जिंदगी का सार बन जाना चाहिए। चाहे 1% ही बच्चा सीखे, मैं स्वेच्छा से, मैं बड़ा अहोभाव से इस दुनिया से विदा होऊंगा कि मैंने कम से कम एक बच्चे को तो राह दिखाई, जैसे ने बुद्धा ने दिखाई उस समय लोगों को, हजारों लोगों को दिखाया कि ऐसे जिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई कि इच्छाएं ही हैं जो हमारे से गलत काम करवाती हैं, तो इच्छाएं उतनी जितनी जरूरी है, ठीक है। इच्छाओं के त्याग से मनुष्य के कष्ट दूर हो सकते हैं, उन्होंने कहा भाई। अगर इच्छाएं मान लीजिए बिल्कुल सही है, अरे बहुत सारे ऐसे गांव में आपको मिलेंगे, अरे इच्छा ही कोई नहीं है, परमात्मा ने जो दे दिया लून दे दिया ना, लून बोलते हैं हमारे नमक को, लून से ही खा लेंगे वो अपनी जिंदगी में, उनसे ही खा लिया और वो ज्यादा पौष्टिक है हमारे 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 जो ये कोविड आया ना, कोविड ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमेशा जो है वो मिट्टी से दूर रहे, जमीन से दूर रहे, उनके लिए खतरनाक है। जो जमीन के साथ रहे ना, वो आज भी फुटपाथ में, दिल्ली में जो लोग हैं बहुत सारे ऐसे जो फुटपाथ में हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, कोई एक भी बाल बांका नहीं हुआ। तो ये वही है, और उनकी इच्छाएं कितनी कर होती हैं वो आपको भी मालूम। तो इच्छाएं अगर किसी की नहीं है तो याद रखना वो सबसे खुश व्यक्ति होता है। और आप अपने घर को देख लीजिए, और कभी एक टेंट वाला जो है घर देख लीजिए, टेंट वाले देखने क्या मस्ती से जो खेल रहे होते हैं, लड़ते हैं तो डट के लड़ते हैं, और सुबह फिर से इकट्ठे और फिर से हंस रहे होते हैं मजे से। तो ये है जिंदगी, किसके कारण भाई, ज्यादा इच्छा ही नहीं है, जो मिला वो खा लिया। चौथा आता है, इन इच्छाओं का अंत अष्ट मार्ग पर चलकर किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा भाई अब मार्ग तो बताइए, तो मार्ग क्या है, ये अष्ट मार्ग है, इनके ऊपर चलना पड़ेगा आपको, तब आप जो है वो अच्छे से रहेंगे, जिंदगी का सार इसी में है। तो अष्ट मार्ग पढ़ लेते हैं, दूसरी शिक्षा ये 8 मार्ग बताए। एक है सत्य कर्म, कर्म करो तो सत्य का ही करो, शुद्ध कर्म, चोरी ना करो, ऐश्वर्य से बचो, है ना, जो उन्होंने त्याग दिया था ऐश्वर्य का जीवन। जीव हत्या ना करो, जीव हत्या ना करो भाई, वो उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी इसी पृथ्वी के जो है मालिक हैं, जैसे आप मालिक बन बैठे ना यहां पर आकर कि मैं ही मालिक हूं, मुझे जैसे अच्छा लगता मैं वैसा ही करूंगा, दूसरों को मैं एटम बम से मारूंगा, ये मालिक होना है भाई, भगवान मालिक है, आप मालिक नहीं है। तभी तो हमें क्षति जो है वो भुगतना पड़ रही है, कोविड-19 उसी का ही एक एग्जाम्पल है। समझ जाइए, समय रहते आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा छोड़ के जाइए, यहां पर केवल अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, केवल मैं अच्छे से जी लूं, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना छोड़ूं। दूसरा सत्य विचार, सभी मनुष्य विचार सत्य होने चाहिए, संसारिक बुराइयों तथा व्यर्थ के रीति रिवाजों से दूर, व्यर्थ के रीति रिवाज, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, दिखावा, संसारिक बुराइयों से दूर, सत्य विचार कहा गया। तीसरा सत्य विश्वास, भाई तुम्हें विश्वास तो होना ही चाहिए कि अगर तुम इच्छाओं को त्याग कर दोगे तो तुम दुखों का अंत हो सकता है, डेफिनेटली हो जाएगा। अरे जिस व्यक्ति को है कि मेरे पास जितना परमात्मा ने दिया है यार, जितना दिया है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेरे पास अगर जो है 800 कार है ना, वो किसी लग्जरियस कार से कम नहीं है। जिस दिन उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा ना, बड़े खुशी से उसमें बैठेगा, बड़े खुश होकर बैठेगा और हंसते हुए जाएगा, लेकिन बाहर देखेगा ना लंबी सी गाड़ी और उसकी तरफ ही ध्यान रहेगा, तो याद रखना उस गाड़ी को 100 दफा कोसेगा और दिमाग में वही चलता रहेगा, क्या जिंदगी होगी उसकी जीने की। तो ये आपने डिसाइड करना। चौथा बोला सत्य रहन सहन, रहन सहन भाई अच्छे से रहना, किसी को हेरा फेरी ना करना भाई, हेरा फेरी, अरे लोगों को ठगा, पैसा कमाया और अपने लिए अच्छा सा रहन सहन जो कर लिया, अरे गलत। तो राइट लिविंग होनी चाहिए, सही जितना है उतना काफी है। फिर आता है पांचवा सत्य वचन, इंपॉर्टेंट भाई, तुम जो वचन बोल रहे हो ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए भी, क्योंकि अगर तुमने गलत वचन बोलना जिस दिन शुरू कर दिया, मान लीजिए, मान लेना इस चीज को, तुम अपनी जिंदगी को भी नरक बना के रख दोगे। आपने तो जो वचन
जो बोले थे वो दूसरों के लिए बोले थे, कटु वचन, गलत वचन, गालियां देना, लेकिन याद रखना वो आपके जिंदगी का सार बन गया। अब आप अपने घर में भी वैसे ही बातें करेंगे, वैसे ही गाली गलौज करेंगे, तो आप सोच लीजिए आपने क्या सीखा। तो ये कहा भाई, आपकी वाणी, आपके जो वचन है वो पवित्र होने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए दूसरों को सुनते हुए। क्या बोला, मृदु, मृदु है ना, ये शब्द ही अपने आप में जो है व्यक्त कर देता भावों को, मृदु शब्द बोलिए। अरे चुगली ना कीजिए, निंदा ना कीजिए, जो भी बोलिए अच्छा बोलिए। सत्य प्रयत्न, सत्य प्रयत्न कि मनुष्य के जो बुरे कर्मों के तथा दूसरों के जो कल्याण हेतु जो सत्य है वो उसका प्रयत्न हमेशा रहना चाहिए। हमेशा जब भी प्रयत्न हो तो दूसरों के कल्याण के लिए। हम क्या कर रहे हैं भाई, अपना ही कल्याण, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, इससे बाहर कोई है ही नहीं। कोई मरता है ना अखबार में तो भाई देखा जाता, अच्छा बम ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मारे, कितने, अच्छा मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा कोई है तो नहीं। अरे तसल्ली हो जाती है जब अपना नहीं होता है, तो इसको राइट एफर्ट्स नहीं बोलेंगे। राइट एफर्ट्स का मतलब हमेशा सोचो यार दूसरा वो भी तो किसी का बच्चा था ना। तो ऐसी बातें, ऐसे कार्य कभी होने ही नहीं चाहिए। तीसरा सातवां आता है सत्य ध्यान। सत्य ध्यान बड़ा इंपॉर्टेंट कि मनुष्यों का अपना जो ध्यान है वो पवित्र की तरफ ही, पवित्र विचारों की तरफ ही, पवित्र चीजों की तरफ, सादा जीवन व्यतीत करना। सादा, सादा का मतलब हुआ कि जितनी की आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही जीवन जियो। अगर मैं कहता हूं ये छोटी सी है, एक छोटी सी बात लग रही ना आपको कि सादा जीवन, सादा जीवन का मतलब ये हुआ कि आदमी के पास उतनी कर सुविधाएं जितनी उसको एसेंशियल है। अंबानी के पास करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति है, यही नहीं विश्व में कहीं भी देश में चले जाइए संपत्तियों का अंबार है। भारतवर्ष की बात करें वो कभी मुंबई तो कभी दिल्ली कभी कहां जो है संपत्तियां ही संपत्ति। भी ऐसा क्यों है? एक बाप होता है ना, उसके जो बच्चे होते हैं वो बराबर की संपत्ति डिवाइड करता है सभी में, चाहे वो लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे कैसा हो, बराबर का। तो ये जो बंटवारा हो रहा है देश में संपत्ति का, ये किस हिसाब से हो रहा है? एक व्यक्ति जो है फुटपाथ पे सो रहा है और एक जो है कमी ही कोई नहीं है। अरे कमी ही कोई नहीं है किसी भी जगह, तो ऐसा क्यों है भाई, ये भी तो देखना है ना। तो सत्य ध्यान, उन्होंने कहा राइट रिकलेक्शन होनी चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। फिर आठवां सत्य समाधि कि भाई मनुष्य को बुराइयों का ध्यान छोड़कर, बुराइयों की तरफ ध्यान ना होकर सत्य की समाधि में लीन होना चाहिए। सत्य, सत्य की समाधि, इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बंद कर दो बैठ जाइए भाई, बस सत्य को धारण कर लेना हमेशा के लिए, उसी में ही मनन, उसी में ही खो जाना, उसको कहा गया सत्य समाधि। और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सत्य ही बोलता हो, सत्य ही करता हो, तो सोचिए ऐसे अगर व्यक्ति, ऐसे जो आठ हमने पढ़े ना, ये आठ चीजें अगर हर व्यक्ति में समा जाए ना, तो स्वर्ग यही है ना, स्वर्ग यही है ना। तो भाई हमने क्या बनाया, हमने खुद हैं, हमारे ऊपर कोई और पावर नहीं है, मान लेना इस चीज को, कि कोई ऐसा नहीं जो हमारे से करवा रहा है। ऐसे भी लोग बोलते हैं भाई ये करवाने वाला कोई और है, मैंने किसी का कत्ल कर दिया और बोले कि ये तो भगवान ने करवा दिया। अरे बिल्कुल भी गलत। कुछ लोग हैं रात को पीते हैं और फिर जो है हल्ला गोल करते हैं, फिर सुबह बोलते हैं भाई मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे उसको पता होता है, सब कुछ पता होता है, ये बेवकूफ होता है बनाने वाला, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसे ही बेवकूफ जो है पूरी दुनिया में छाए हैं और कोहराम मचा के जो है इस दुनिया को जो है वो खत्म करते जा रहे हैं। तो हमें सोचना है कि हमें कौन सी दुनिया चाहिए, जैसे कि बुद्धा ने सोचा था मुझे करना है भी दुनिया के लिए निकल पड़े। तीसरा कर्म सिद्धांत में विश्वास। अब जल्दी करेंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कर्म ये हमने पढ़ लिया है कि जैसा कर्म तुम करोगे भाई वैसा फल तुम्हें मिलेगा। उन्होंने कहा इस जन्म में तुम अच्छा कर जाओ, अगला जन्म में तुम्हारे और भी अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है, उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। फिर चौथा आता है अहिंसा। हमने जैन में पढ़ा था कि जो अहिंसा, उन्होंने कहा जो निर्जीव चीजें हैं उनकी भी रिस्पेक्ट, उनमें भी जो जीव होता है। देखिए एक होते रिस्पेक्ट, एक होता जीव। मैं मानता हूं कि निर्जीव चीजों की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन उसमें जीव है ये बहस करने का विषय मैं शायद ये नहीं कहूंगा कि पत्थर में भी जीव है। और लेकिन हाँ, या बुद्धा ने जो है उस चीज को नकार दिया, बुद्धा ने की बात करना, मैं अपनी बात नहीं करूं, बुद्धा ने उस चीज को नकार दिया पत्थरों की बातों को। और उन्होंने कहा जितने भी जीव हैं जिनमें प्राण है उन चीजों की बात करी कि उनसे प्रेम करो तुम भाई, चाहे वो जीव जंतु हो, सहानुभूति रखो उनके साथ, जीव हत्या मत करो, उनको सताओ मत। अरे सताना, समझ रहे हो ना सताना, तुमने कुत्ता पाल रखा है भाई, गले में पट्टा बांध दिया, अच्छा सा महंगा सा लेकर आए, महंगा सा एक पट्टा लेकर आए और उसको बांधा और रोज नहला रहे हैं और बांध के खूंटे में जो उसको बांध के रखा, अरे वो तो जीव था,
वो तो स्वतंत्र आजाद था, लेकिन आपने उसको पकड़ के रखा, पूरी जिंदगी उसी जगह उसी घर में मर गया वो। तो आप ये सोचेंगे कि मैंने बहुत अच्छा कर्म किया उसको यहां रखकर, तो वो कर्म गलत था आपका। वो क्या है, आपने उसके साथ बुरा किया। तो यही सार है अहिंसा। तुमने तो हिंसा की उसके साथ, उसका जो ओरिजिनल जीवन था आपने परिंदे को बांध दिया ना, परिंदे को पिंजरे में डाल दिया, पूरी जिंदगी वहां खत्म हो गई उसकी। अरे वो तो आसमान के लिए बना था, उड़ना था, उसने कहाँ कहाँ बसेरा। देख लीजिए आप जानवरों को, देख लीजिए जानवरों को, जब तक खूंटे में रखा ना तो कैसे होते थे, देखा देखा कितने कमजोर होते थे। और हम सोचते थे कि हमने कोई बड़ी चीज खिला दी कि हम तो बड़ी भारी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए उनको क्या खा रहे हैं, प्रकृति में रहकर, प्रकृति में रहकर प्रकृति की चीजें ही खा रहे हैं। लेकिन अब देखिए उनके शरीर, तो प्रकृति में क्या नहीं होता है, इतनी क्षमता है। तो भाई अहिंसा का भाव ये कहा बुद्धा ने। पांचवा आता है नैतिकता पर बल। नैतिकता का बल कि तुम नैतिक नहीं होंगे ना तो धर्म तुम्हारा ढोंग मात्र है, ये कहा उन्होंने सीधा सीधा ही। ढोंग मात्र है धर्म, तुम जितने मर्जी टीके लगा लो, जितने मर्जी तुम माला पहन लो, जितने मर्जी तुम कपड़े पहन लो, वो सब कुछ ढोंग मात्र है, नैतिकता नहीं होगी। नैतिकता क्या होती है बेटा, नैतिकता होती है बड़ों की रिस्पेक्ट करो। मैं कई बार कहता हूं, अरे बच्चों ने रिस्पेक्ट करना ही छोड़ दिया है। पा शब्द आ गया, पा डे, अरे क्या हो गया है, हमारे शब्दों में सच्चाई ही खो गई है। वो अब तो बच्चे यार भी कहने लग पड़े हैं, दोस्तों की तरह ट्रीट। अरे रिस्पेक्ट ये अलग चीज है कि उन शब्दों से कहकर अगर आपको लगता है कि रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हृदय में जो है। लेकिन कुछ एक शब्द इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनका वैसे ही होना ज्यादा जरूरी है, उसमें अपने आप अनुभव होता है कि ये शब्द अपने आप में एक रिस्पेक्टेड है, उनको बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर परमात्मा को भी हम जो है पू कर दें तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो बेहतर है जो चीजें बनी है, और रिस्पेक्ट आदर है। और याद रखिए, तुम अगर आज रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, याद रखना जीवन में अगर तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो तो याद रखना तुम्हारे आने वाली जनरेशन भी तुम्हारा आदर करेगी। और आदर जिस व्यक्ति का नहीं होता है ना, याद रखना उसका जीवन जो नरक समान होता है, जो उससे बात ही नहीं करेगा। कोई आएगा, हेलो अंकल, और निकल लिया। आप सोचेंगे कि मैंने क्या निर्माण किया। तो तब मैं कह रहा हूं, तुम क्या निर्माण कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो। तुम जब भी किसी को गाली गलौज करो ना, तो याद रखना तुम अपने लिए ही कर रहे हो, तुम ही अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। तुम ऐसा ही चाहते हो कि ऐसा ही बने, तो तुम ऐसा बनाओ जो तुम्हें भी अच्छा लगे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा लगे। तो आदर से, रिस्पेक्ट से, ये नैतिक होते हैं मूल्य सारे के सारे। झूठ ना बोलना, सच बोलना, ये सारी चीजें उन्होंने कहा नैतिक मूल्य। फिर छठा आता है परस्पर भातृभाव। अब तो भातृभाव बहुत बड़ा हो गया। बुद्धा के समय में जो भातृभाव था, केवल उनका जो अपना मगध का साम्राज्य था, जहां जहां वो गए वहां वहां, क्योंकि वो उस समय अब देखिए यातायात का साधन बहुत कम हो, पैदल ही चलना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, घोड़े होते थे या घोड़ा गाड़ी होती थी। अब जहां तक वो गए बेचारे, वहां उन्होंने तक उन्होंने सब सारी जगह भातृभाव फैलाया। लेकिन भाई अब तो भातृभाव की बात जब भी होती है तो पूरा यूनिवर्स की बात होनी चाहिए, भारत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम भारत की बात करोगे तो याद रखना पाकिस्तान साथ में बैठा है, चाइना साथ में बैठा है, क्योंकि केवल हम अपने भारों अपने ही लोगों को भातृभाव में ले रहे हैं, उनके साथ ही अच्छे से रह रहे हैं, दूसरों को तो हम जो घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। जब ये परस्पर भातृभाव भाव खत्म हो जाएगा दूसरों के लिए, तो क्या होगा ना, लड़ाई होगी ना, युद्ध तो होगा ही ना। और युद्ध याद रखना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं पाकिस्तान के ऊपर भाई धावा बोलो, करो उनको ऊपर खत्म करो, ऐसा कभी नहीं होने वाला, खत्म हम भी हो जाएंगे। घर में जब लड़ाई होती है ना तो सभी ही खत्म होते हैं। तो ये बेहतर है कि इस चीज को हम समझ लें। अब मैं बात कर रहा हूं कि विश्व भातृभाव की बात होनी चाहिए। अब हम समझे तो इस भाषा को इस तरह से समझे कि विश्व की बात करें। अरे हम रिस्पेक्ट करें चाइना की, चाइना हमारी रिस्पेक्ट करें, कितने अच्छे से रह पाएंगे। अरे आपको मालूम है हमारा जितना जीडीपी है ना, जितना हमारा हम कमाते हैं पूरे पूरे वर्ष भर में, जितना हमारी कमाई है देश की, उसका आधे से ज्यादा पैसा जो है कहाँ लग जाता है, सेना के लिए, सेना के साजो सामान के लिए, गोलियां चलाने के लिए, मारने के लिए। तो क्या है, अब वही अगर उसी चीज को अगर आम लोगों के ऊपर खर्च कर दिया जाए, उसके 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 लिए रहने के लिए घर, अच्छी सी एजुकेशन, अच्छा उसको समय पर उसको जो है नौकरी, तो सोचिए स्वर्ग बन जाएगा ना, यही तो दिक्कत है। तो किसके कारण ये भातृभाव नहीं है भाई, एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं।
और ऐसा ही बढ़ता जा रहा है, तो खत्म होगा संसार इसी वजह। तो महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे, वो चाहते थे भातृभाव थे, सभी जगह गए, वो जहां जहां भी गए सभी को यही सिखाया और राजा उनके आगे नतमस्तक हुए, जो हमने पढ़ा पीछे। सातवां आता है यज्ञ और बलियों में अविश्वास। भी क्या कर रहे हो तुम, किस दिशा में जा रहे हो तुम? सोचते हो कि चीजों को जलाया जाए और फिर तुम सोचो कि उससे तुम्हें जो है पुत्र प्राप्त होगा। पॉसिबल है भाई, पुत्र का अपना एक तरीका है, तो उसी तरीके से होने वाला है। तुम्हें संपत्ति मिलेगी तो तुम्हें मेहनत करना ही पड़ेगी भाई, बिना मेहनत किए नहीं हो पाएगा। यह अलग चीज है, तुम उसके भाव अच्छे हैं, तुम जो उसमें डाल रहे हो उससे निकलने वाला जो जो पदार्थ जो जो हवा है वो शुद्ध होती है, वो उसका अपना एक वो ठीक है। लेकिन आप इसलिए करवा रहे हो कि तुम्हें धन चाहिए था लालच की दृष्टि से, तो वो नहीं मिलने वाला। ये कहा बुद्धा ने, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुद्धा ने कहा। और तुम बलि दे रहे हो किसी दूसरों की और फिर सोच रहे हो मेरे पुत्र होगा, तो कितना अनर्थ कर रहे हो तुम। और उससे सोचते हो कि क्या भगवान ऐसा चाहता होगा, कभी भी नहीं चाहता होगा। तो ये बेकूफी बेकूफ वाली जो बातें थी उनके लिए जो है बुद्धा ने इनमें अविश्वास जाहिर किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होने चाहिए, अंधविश्वास नहीं होने चाहिए। और आठवीं शिक्षा क्या थी कि वेदों तथा संस्कृत भाषा में अविश्वास, कि ये मानकर चलना कि केवल केवल जो है संस्कृत भाषा ही देवों की भाषा है, उसको सुनेंगे तभी आप जो है वैकुंठ को प्राप्त होंगे, स्वर्ग को प्राप्त होंगे। क्या ऐसा हो सकता है भाई? एक गरीब व्यक्ति है जिसको संस्कृत आती ही नहीं, उसने पढ़ाया नहीं कभी बच्चे को, और वो संस्कृत भाषा ना समझ पाया ना उसने सुनी, तो क्या भाई नरक ही जाएगा? जो तुमने घड़े हैं कि नरक है स्वर्ग है, महात्मा बुद्ध ने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना स्वर्ग है ना नरक है। लेकिन तुम भाषा को भी अगर मान लीजिए कि ये देवों की भाषा, ये देवों की भाषा नहीं, तो गलत है भाई, क्योंकि भाषा तो सिर्फ हमें जो है समझना सिखाती है। सोच लीजिए, मैं संस्कृत में किसी के साथ बात कर रहा हूं, उसको संस्कृत आती नहीं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अच्छा सोच सकता है? नहीं यार, पता नहीं क्या बोल रहा होगा, ना अच्छा सुनेगा ना बुरा। लेकिन अगर कोई बेकार साथ बोलेगा क्या बोल रहा है, या थप्पड़ मारेगा साइड में हो क्या बोल रहा है, तो बोलेगा का गाली दे रहा। जैसे कई बार बिहारी लोग आते हैं आपस में भाषा बात करें, ऐसा लगता है जैसे हमें गाली दे रहे हैं, लेकिन ये तो उनको पता है ना कि क्या बोल रहे हैं। तो भाई भाषा, उन्होंने कहा सभी भाषाएं ईश्वरीय भाषा है, उस परमात्मा की भाषा है। तो भाषा कोई भी, सभी इसकी सभी भाषा जो है पवित्र है। तो ये वेदों में ही, कि वेदों को ही मान लेना कि यही सत्य है, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को ये मान लेना कि यही सच है, यही सही है, उसमें भी कमियां रहती ही रहती हैं सभी में, पूरा का पूरा सत्य उसी को मान लेना ये सही नहीं है। फिर नौ आता है जाति प्रथा में अविश्वास। जाति प्रथा, वो प्रथा जिसने देश के टुकड़े कर दिए, देश को मजबूर कर दिया कि बाहर विदेशी लोग आते गए और हमारे ऊपर राज करते रहे। वो जाति प्रथा जिसने ये मान लिया कि केवल एक विशेष जाति के लोग ही युद्ध कर सकते हैं, उनमें ही कला है, निपुणता है, बाकी जो है उनको कुछ नहीं आता है, वो तो बैठे और झाड़ू ले और काम करें। तो इस वजह से हम क्या हुआ, गुलाम बनते चले गए, बाहर के लोग आते गए गुलाम बनाते चले गए, और हम मान के चले कि नहीं भाई ये तो परमात्मा ने कहा था कि ज्ञानी कौन होगा, या लड़ने वाला कौन होगा, या व्यापार करने वाला कौन होगा, यही तो हम चूक गए। अरे एक ही आदमी के चार बच्चे होते हैं, चार बच्चे समान नहीं होते हैं, कुछ लड़ने में तेज होते हैं, कुछ जो है वो पढ़ने में तेज होते हैं, होता है ना, वेरिएशन है ना। तो उस चीज को समझ लो ना, प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक है, समझ आ रहा है, तभी तो कहते हैं जो प्राकृतिक जो शिक्षा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो सीखता है वो उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होती है। प्रकृति जो सिखाती है उसकी वैल्यू है, प्रकृति सिखा रही है ना, कोविड-19 आया है, प्रकृति सिखा रही है भाई तुम जीरो हो, शून्य हो, तुम चाहे जितना मर्जी जो है हथियार रख लियो हो। कैसे हथियार? एटम हथियार। अरे आज से कोई 50 साल पहले जो हथियार थे उससे पृथ्वी को 7 बार खत्म किया जा सकता था, तो अब सोचिए आप कितनी बार पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। अरे पृथ्वी 7 ग्रहों में सबसे, या सॉरी 8 ग्रहों में सबसे खूबसूरत ग्रह जहां मानव रहते हैं, उसको खत्म करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। कौन कर रहा है भाई? वही मानव जिसको यहां भेजा है परमात्मा ने, यार आराम से रहो, ये ग्रह है जहां तुम रह सकते हो, उसको खत्म करने के तरीके। हम कहां रहेंगे भाई? मंगल में खोज की जा रही है, मंगल में जाएंगे जहां कुछ भी नहीं है, यहां पे नरक बना दो, यहां इसको खत्म कर दो, वहां बसेंगे हम। अरे हो क्या रहा है, तुम किस दिशा में जा रहे हो? तो जाति प्रथा में अविश्वास की बात चली थी कि तुमने बांट दिया लोगों को भी, किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। तो उन्होंने कहा भाई जाति नहीं होनी, सभी, उन्होंने क्या कहा, देखिए बड़ी बात कही उन्होंने, उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य कर्मों के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है, कर्मों के अनुसार,
कर्मों के अनुसार। तुम अगर कर्म ही ऐसे होंगे नीच, तो तुम नीच हुए फिर। अगर तुम ब्राह्मण हो और कर्म है तुम्हारे लोगों को मारना, लोगों को निचोड़ना, तुम्हारे कर्म है तो तुम नीच हुए, तुम ब्राह्मण नहीं हुए। यह बोला किसने? बुद्धा ने कहा। तो ये असमानता के लिए उन्होंने हमेशा की, जो भी है सभी समान है। दसवां जो शिक्षा हुआ है, तपस्या में अविश्वास, तपस्या में अविश्वास। उन्होंने 6 साल की तपस्या कही है ना, तो 6 साल की तपस्या करने के बावजूद भी उन्हें जो है नहीं लगा कि कोई प्राप्त होगा। उन्हें यह भी फील हुआ था कि जो व्यक्ति भूखा बैठा है ना, उसका पेट पूरा, मुझे भैया मुझे तो भूख चाहिए, मुझे तो पेट में कुछ चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति कहां बैठ सकता है ध्यान लगाकर, परमात्मा की तरफ कहां ध्यान हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई तपस्या में अविश्वास। उन्होंने कहा कि व्यक्ति गृहस्थ में जीवन में, गृहस्थ जीवन शादी करिए, क्योंकि हर जो विषव है, हर जो पृथ्वी है, सभी के जोड़े हैं, देख लीजिए, सभी आगे से आगे संतान उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे ही चला है सब कुछ संसार, तो तुम भी वैसा ही संसार चलाओ, तुम भी गृहस्थ जीवन जियो और जो 8 मार्ग हैं उनके अनुसार चलाओ। भाई 8 मार्ग बताया, बहुत सारे मार्ग बताए, उस तरह से जियो भाई, क्या नहीं होगा, यही सब कुछ निर्वाण, यही उस व्यवस्था को कहा गया मोक्षा को, कि तुम्हें यार अच्छा लगे, तुम प्रसन्नता से रहो जीवन से, और प्रसन्नति और प्रसन्नचित भाव से ही तुम यहां से विदा हो जाओ। तो क्या हुआ? वही तो भाई, वही तो निर्वाण हुआ, वही तो मोक्षा हुआ। 11वां कहा ईश्वर के संबंध में विचार। देखिए जैन में कहा गया था ईश्वर में अविश्वास, लेकिन यहां क्या क्या विचार संबंध में विचार रखे, क्या उन्होंने कोई भी विचार नहीं, उन्होंने ईश्वर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था, क्योंकि ये विवादित है, अगर मैं कुछ कहूंगा तो लोग, हो सकता है मेरे जो अनुयायी हैं वो उससे नाराज हो जाएं, इसलिए उन्होंने कभी भी ईश्वर के संबंध। लेकिन हाँ, एक उन्होंने जरूर कहा था कि कोई ना कोई इस संसार में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से ये संसार चला हुआ है, क्लियर है, तो ऐसा उन्होंने माना था। अब अंतिम जो शिक्षा आती है वो है 12वीं, वो है निर्वाण। जैसे कि जैन में भी कहा निर्वाण हुआ कि मनुष्य को हमेशा याद रखना है कि उसे निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब हुआ कि निर्वाण के कारण मनुष्य को, निर्वाण का मतलब कि आवागमन का जो चल रहा है, खत्म ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, फिर मौत हो रही है, उससे छुटकारा पाना, ये उन्होंने निर्वाण कहा। तो निर्वाण के कारण मनुष्य को सुख और की प्राप्ति होती है, और उसे आवागमन के चक्कर से जो सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है, ठीक है, ये कहा निर्वाण। तो हमारा जो जीवन होगा निर्वाण का प्राप्त होगा, जो उन्होंने 11 की 11 शिक्षाएं दी उनके अनुसार जीवन को जीना और निर्वाण को हासिल करना, तो ये होगी 12 की 12 शिक्षाएं। निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने अंधकार में भटक रहे, उस समय अंधकार में जो लोग भटक रहे थे उनको क्या दिखाया? मानवता का राह दिखाया और प्रकाश स्तंभ का कार्य किया। प्रकाश स्तंभ का काम होता है, प्रकाश स्तंभ रात को जब रात होती है ना तो वो जलती है लाइट, और लोग जो है रास्ते को भूलते नहीं और सही रास्ते में चले जाते। तो वैसा ही कार्य किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया या बौद्ध धर्म ने किया। उन्होंने अपने उपदेशों के जरिए संसार को शांति तथा भातृभाव का पाठ पढ़ाया और लोगों के लिए व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए लोग है ना, और उनके द्वारा ही बताया मार्ग पर चलना। देखिए व्यक्तित्व इतना इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का व्यक्तित्व था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजोड़ कर दिया और इस हालात पैदा कर दिए कि अंग्रेजों को अंततः जाना पड़ा। तो ये व्यक्तित्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो व्यक्तित्व होना चाहिए। तो विश्व के बहुत सारे देश जैसे कि चीन है, जापान है, वियतनाम है, भूटान है, भारत है, श्रीलंका है, आज भी वहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, वहां धर्म प्रचलित है। तो भारत से ये धर्म कहां कहां पहुंचा, ठीक है, किसके कारण? अपने अच्छे गुणों के कारण ही पहुंचा होगा, तभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, अन्यथा जो है स्वीकार नहीं करते हैं। आज अंतिम पेज और ये रहेंगे, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना लाखों जप ध्यान से कहीं बढ़कर है। और ये जो विचार आता है ना, ये जैसे उम्र आपकी थोड़ा सा बड़ी होती है तब पता लगता है कि सचमुच मैंने थोड़ा सा सेवा भाव से लोगों की थोड़ा सा कर लिया होता तो शायद आज मैं बड़े आराम से इस दुनिया से विदा लेता। आप समझ जाएं, बस मेरे लिए उतना ही काफी था। जैसे मैंने कहा था कि आप जीवन का सार इसे बना लेना और मेरे लिए इससे बढ़ के गुरु दक्षिणा नहीं होगी। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।